हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द प्लेटफॉर्म टीचिंग परीक्षा। बहुत बच्चों को बीबीएससी ट्री 2.2 के जो एग्जाम को फॉर्म को फिल कर रहे हैं, उन बच्चों को कहीं ना कहीं फॉर्म फिल करते टाइम पे एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और वो समस्या है आपकी पेमेंट करने में। यानी कि जो बच्चे पेमेंट कर देते हैं उनकी भी पेमेंट शो नहीं होती है। यहाँ पर आप लोग YouTube पे और Google पे आपको बहुत सारे तरीके देखने को मिल रहे हैं कि आप इस तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं, इस तरीके से आपको आपकी पेमेंट शो हो जाएगी। तो अभी जो अगर ये देखिए, ये एक क्लिप है जो मुझे देखने को मिली थी, और इस क्लिप में ये लिखा है कि अगर आप लोग हिस्ट्री खोलेंगे, अगर आप लैपटॉप से फॉर्म फिल कर रहे हैं और आपकी पेमेंट नहीं हो रही है, तो अगर आप हिस्ट्री खोलते हैं, हिस्ट्री में जाकर अगर आप लगातार लगातार उसको रिफ्रेश करते हैं तो आपकी पेमेंट शो हो जाएगी। एक बच्चे ने ये कहा। दूसरे बच्चे ने ये कहा कि आपको दोबारा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, 2-3 दिन बाद आप अपनी हिस्ट्री में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका जो पेमेंट की प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो चुकी है। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे कमेंट्स हमें बच्चों के द्वारा देखने को मिले, जिसमें बच्चों ने अलग अलग तरीके से पेमेंट को सॉल्व कैसे करें, मतलब जो भी बच्चों ने पेमेंट कर दी थी उन बच्चों की पेमेंट नहीं हो रही थी, ये बहुत बड़ी समस्या थी। और इस समस्या के लिए बीपीएससी ने एक पीडीएफ अपनी वेबसाइट पर डाली, और इस वेबसाइट में, इस पीडीएफ में बेसिकली बीपीएससी कहता है कि आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन इतना विद्यालय अध्यापक विज्ञापन के अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों का पेमेंट होने के बाद भी उन्हें पुनः पेमेंट करने का लिंक आ रहा है, मतलब जो पेमेंट कर देते हैं उनको दोबारा से पेमेंट करने का लिंक आ रहा है, वो क्या करेंगे, वो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु पुनः पेमेंट करेंगे एवं पिछले भुगतान की राशि को वापस लेने हेतु अपने बैंक एवं आईसीआईसीआई बैंक को चार्ज बैक शब्द को लिखते हुए ईमेल कर चार्ज बैक का क्लेम करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर जो आपको अलग अलग यूट्यूब पे वीडियो देखने को मिल रही है, भाई रिफ्रेश कर लो, 2 दिन का वेट करो, रात को 12:30 बजे अपना लॉगिन करके देखो, तब वहां रिफ्रेश करो, बहुत सारी समस्याएं थी बच्चों की, बहुत सारी समस्या। तो उस समस्या को हल करते हुए यहाँ पर बीपीएससी ने साफ साफ कहा है कि अगर आपने एक बार पेमेंट कर दी और आपकी पेमेंट रिजेक्ट हो गई है तो आप आईसीआईसी बैंक को और जो अपने बैंक को आप ईमेल लिखेंगे और उस ईमेल पे चार्ज बैक शब्द को लिखेंगे, ठीक है, और वो आपका जो मेल है वो आपसे आपसे पूरा आपका स्टेटस मांगेगा और फिर उनको रिप्लाई करेंगे, आपके जो पैसे हैं, जो आपकी फीस कट रही है, जो आपको पेमेंट शो नहीं हो रही है, वो आपके पूरे के पूरे पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। अब यहाँ पर भी पैसे कह रहे हैं कि पेमेंट को दोबारा से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी पहले पेमेंट कट चुकी है वो सारी की सारी पेमेंट आपकी आपके अकाउंट में आपको मिल जाएगी। तो ये बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को पेमेंट को करने में दिक्कत आ रही है, जिनकी पेमेंट दोबारा से वहां पर फॉर्म भरते टाइम पर मांगती जा रही है। ओके, तो आई होप मेरे द्वारा बताई गई इंफॉर्मेशन आप सभी को पसंद आई होगी। चार्ज बैक का मेल अपनी आईसीआई बैंक और जो भी आपके अपने बैंक है आप उसको करेंगे तो आपको पक्का वहां से रिवर्ट मिलेगा, ये बीपीएससी कहता है। तो ये मुख्यमंत्री के देख रेख में ही ये फैसला हुआ है, ठीक है जी। चलिए, आई होप आप सभी के जो प्रॉब्लम है उसका रिजोल्यूशन जरूर हो जाएगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। बीपीएससी ट्री 2.0 की क्लासेस हमारे यहाँ पर चल रही हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे बाकी एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन हमारा टीचिंग परीक्षा चैनल आपका करा रहा है। ओके, तो जुड़े रहिए टीचिंग परीक्षा के साथ। अगर आपको मेरे द्वारा दिए गई इंफॉर्मेशन अगर अच्छी लगती है, समझ आती है, तो आप इस सेशन को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड बाय बाय।